अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फोर आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ़ में आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे जितनी भी नशरियात है उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम के उनवान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसमें काफ़ी सारे अनावीन पर हम गुफ्तगू कर भी चुके हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फिर से भी दोबारा तजदीद करेंगे और मुख्तलिफ उलमा की इंशाअल्लाह राय को लेते रहेंगे। एक मसला है हक़ अहले बैत का। हक़ अहले बैत को आमदी तौर पे खाना और या अपने आप को इस तरीके से ज़ाहिर करना कि गोया के कुछ हुआ ही नहीं है और आपने हक़ अहले बैत को खुदा न खास्ता खा लिया, तो हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं और इसको उन्होंने तौक़ी के अंदर और उस तौक़ी से मरहूम तूसी ने, शेख तूसी ने किताब अल-ग़ैबा में इसको ज़िक्र फरमाया कि अगर कोई हमारे हक़ में से कोई एक दिरहम खा ले, हत्ता एक दिरहम, उसका अज़ाब इतना है कि जैसे कि वो आग के अंगारे खा रहा है और आखिरत में जहन्नम में जाएगा। गोया के जिसने हत्ता के एक दिरहम खाया हम अहले बैत का, उसका क्या उसकी हालत होनी चाहिए और क्या उसकी हालत होगी। तो ये हदीस किताब अल-ग़ैबा में मौजूद है। और फरमाया कि अब यहाँ पे ज़ाहिर है कि आयाम फ़ातिमिया भी गुज़र चुके हैं और आयाम फ़ातिमिया की यकीनन उम्मुल अइम्मा हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ये एक नहायत ही मुहिम मौजू रहा और एक नहायत ही मुहिम मौजू है। उसकी वजह यह है कि हज़रत सिद्दीक़तुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का हक़, चूँकि ज़ाहिर है कि फ़िदक़ का मसला, वो फ़िदक़ का मसला उसमें कुछ लोगों ने जाके बीबी का हक़ खाया और बीबी ने दलील के तौर पे 10 कुरान की आयतें ज़िक्र फरमाई, लेकिन उन्होंने चूँकि पहले हदीस का इनकार कर लिया था लेकिन बाद में जाके कहा कि हमने हदीस, इस किस्म की हदीस हमने सुनी है। उन्होंने किसी तरीके से बीबी का हक़ खा लिया। एक ये मसला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अहले बैत के हक़ के एतबार से कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का हक़ खाया गया और उसमें भी यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिही के कुछ सहाबा थे जिन्होंने ये हक़ खाएँ और उसके अलावा इन्होंने जो गुस्ताखियाँ की, आयाम फ़ातिमिया में उलमा की राय हम लेते रहे। तो यहाँ मसला ये है कि हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हक़ या अहले बैत का हक़, ये इन मलाइन ने जो कि आज तक मोरद लान है, बेशक लाख दर्जी भी उनकी लोग जिसको कहा जाए कि कोशिश कर रहे हैं कि उनको बेगुनाह साबित कर लें और कुछ नारे भी लगते रहे। अब बात यह है कि इसमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने नारे भी लगाए और खूब नारे अभी भी लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, गोया हम लोग ज़्यादती कर रहे हैं। हालांकि उनकी अपनी किताबों में ये चीज़ें मौजूद है और अगर उनको कोई शक है तो मुझ जैसा छोटा तालिब इल्म जिसकी तहकीक नहायत ही कम है, यानी कम तहकीक के साथ बड़ी आसानी से हम साबित कर सकते हैं उनके लिए कि उनकी अपनी किताबों में जो चीज़ें लिखी है या फ़िदक़ का मसला है और या जो है वो हक़ अमीरुल मोमिनीन है। तो ये चीज़ें तो बहरहाल वो लाख दफ़ा भी कोशिश करते रहे और वो तो उन्होंने करनी है, लेकिन हमारे पास नहायत ही मुहकम दलाइल मौजूद है फ़रीक़ैन की किताबों से और मखसूसन उनकी किताबों से कि उनके लिए वो हुज्जत है। और हत्ता के सहीहैन में, हत्ता सहीहैन और उसके अलावा सिहाए सित्ता जिनको सहीहैन को ज़ाहिर है कि हमारे शिया मज़हब में तो किसी उसूल काफ़ी को हम कभी सहीह नहीं कहते, कहते मोतबर है। मोतबर है, मोतबर और सही में फ़र्क है। सही ये होता है कि उसके ऊपर आप आंखें बंद करके कुरान की तरह उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, इसको कहते हैं सही, जिसको ये लोग उख्तुल कुरान भी कहते हैं। उसी में से दलाइल है, मौजूद है। उसके अलावा मज़ीद इनकी मोतबर किताबें जिसमें नहायत ही दलाइल मौजूद है कि अहल बैत के हक़ को खाने वाले कुछ लोग थे जो कि बज़ाहिर सहाबा थे, और ये एक तरह तरीके से आप उनकी शान में जिस तरीके से दिफा की जा रही है आजकल, तो गोया के एक तरफ अब सहाबा हो गए, दूसरी तरफ अहल बैत है, और अहल बैत को हम कैसे छोड़ें जबकि ख़ुद कुरान दलील है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स व यत्तहिरकुम तत्हीरा। उनसे तो रिच ऐसे दूर है जैसे कि रिच दूर होने का हक़ है, और यहाँ पे कुछ गुनहगार सहाबा को इन्होंने अहल बैत के मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है। लिहाजा हम तो रसूल के कौल पर ही अमल करेंगे कि अल अली मा अल हक व अल हक मा अली, अल अली मा अल कुरान वल कुरान मा अली। तो हम तो उसी पर अमल करेंगे और उसी पर इंशाल्लाह अमल करते रहेंगे। तो बहरहाल वो तो हक़ खाने वाले थे, और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आखिर में भी अपने किफ़र किरदार तक पहुँच जाएंगे, इस दुनिया में भी पहुँच जाएंगे। जब इमाम ज़हूर फरमाएंगे तो उनको उन्होंने सबसे पहले उठा देना है और उनको लटका देना है और उनके ऊपर हद शरी जारी करना है। चूँकि ज़ाहिर है कि हज़रत इमाम असर अलैहिस्सलाम यकीनन अपने आबा व अजदाद की दीन के ऊपर अमल करने वाले हैं, और उनके आबा व अजदाद का दीन यही है कि किसास भी लिया जाएगा और हद भी जारी होते हैं। तो जाहिर है कि वो तो उन्होंने अपने उसमें पहुंचना है। अब एक मसला यहाँ पर जो एक नुक्ता है जो नहायत ही मुहिम नुक्ता है उसकी तरफ मैं इशारा करने जा रहा हूँ, वो है मसला खुम्स। अब ये खुम्स का मसला इतना मुहिम है जिसकी कोई हद नहीं। खुदा न खास्ता एक मोमिन है, शिया है, वेलाई है, मवाली है, वो वलायत अमीर अल मोमिनीन उसके वजूद में है, उसके कल्ब में है। खुदा न खास्ता कोई ऐसा मौका पेश ना आए कि ये शख्स कहीं खुम्स देने से गाफिल हो जाए, क्योंकि खुम्स देने का हदीस की रोशनी में कि हत्ता अगर कोई एक दिरहम खाएँ, एक दिरहम नहायत ही कम वो खाएं, उसके लिए ऐसा है जैसे उसने अंगारा खा लिया। यकीनन आप जब अपने माल से खुम्स नहीं निकालेंगे तो इसमें जो है ये सारा माल ही आपका यकीनन ये माल जो है वो हलाल नहीं होगा। तो हमें इन चीज़ों की तरफ खुसूसी तवज्जो करनी है कि खुम्स का मसला इसको कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। खुम्स नहायत ही मुहिम मसला है, और इतनी यही एक अज़मत जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सादात को बख्शी है कि उम्मत के लिए उन्होंने ज़कात देना ज़कात के साथ मुख्तस कर दिया उम्मत को, और अपनी आल को उन्होंने खुम्स के साथ उन्होंने उनके लिए करे। चूँकि फरमाया कि ज़कात जो है ये माल की गंदगी होती है, और खुम्स जो है ज़ाहिर है कि माल की गंदगी है, तो फिर वो सादात को देना जायज़ नहीं है। अब वह है उनकी हालत पे कि जो लोग ये कहते हैं कि सादात की तो कोई वो ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है और फलां, इस किस्म की चीज़ें आ चुकी है। हालांकि अगर सादात की बात की जाए तो अल एतकादात के अंदर शेख सद्दूक का वो कौल देख ले कि उन्होंने फरमाया कि हमारे शिया मज़हब के एतकादात में से था तहरीम सादात। ये एक मसला हमारे एतकाद की किताबों में मरहूम सद्दूक अल-एतकादात उसमें उन्होंने ये मसला बड़े वाज़ेह तरीके से बयान कर दिया कि चूँकि सादात आले रसूल है और आले रसूल का एहतराम वाजिब है, तो शिया अकीदा ये है कि हम सादात का एहतराम करें। अब ये सादात बहरहाल जो उमूमी तौर पे हैं उनको भी खुम्स देना है, और उसमें से उलमा फरमाते कि एक हिस्सा इमाम का है। अब ज़ाहिर है इमाम का है, इसमें भी बहरहाल कुछ जगहों पे इख्तलाफात है। कहते हैं कि ये कुल्ली तौर पे जब तक इमाम ज़हूर नहीं करेंगे तो इन्हीं सादात में सारा खुम्स बाँट देना चाहिए, चूँकि ये आले रसूल है और अपनी जगह पे इस दुनिया में मौजूद है। लेकिन बहरहाल अब बाज़ उलमा ने जो फरमाया कि खुम्स का है तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का हिस्सा या सादात का हिस्सा, ज़ाहिर है सादात को भी खुम्स इस वजह से दी जा रही है कि ये आइम्मा से इनकी निस्बत है, तो खुदा न खास्ता हम इस खुम्स में कहीं कोताही न कर बैठें। ये नहायत ही मुहिम चीज़ है खुम्स का मसला। और फिर अगर बात की जाए कि इन लोगों ने ये जो गुज़श्ता जो लोग हैं जिन्होंने हक़ अहल बैत खाया और अपनी आखिरी ज़िंदगी तक वो पशेमान भी नहीं हुए और वो अपने गुनाह पर बाकी रहे, तो बहरहाल इसी गुफ्तगू पर इंशाल्लाह मज़ीद भी जब भी टाइम मिलता रहेगा इंशाल्लाह गुफ्तगू करते रहेंगे। आज के हमारे जो मेहमान हैं आली जनाब अल्लामा नदीम अब्बास हैदरी अलवी फ़ाज़िल दमिश्क, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इनके इल्म और मालूमात से इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा करते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला खैरियत से है इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आयाम फ़ातिमिया, चूँकि अभी ताज़ा ताज़ा आयाम फ़ातिमिया का अभी भी मजालिस किसी कुछ इलाकों में है, तो उस मुनासिबत से हम आपकी खिदमत में तसलियत और ताज़ियत पेश करते हैं। इमाम ज़माना सलामत वारिस अज़ा है, आपकी खिदमत पेश करते हैं। मौला सलामत रखे आपको। और दूसरी बात, आपके दोबारा आपकी आमद हमारे लिए बायस शरफ है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफियात के बावजूद मजालिस के बावजूद आप मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हुए और हमें ये इज़्ज़त बख्शी। जी किबला, अगर इजाज़त है तो सवालात का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जी किबला, हमारे पास एक मौजू है, अक्सर उलमा चूँकि इस प्रोग्राम में भी हम दावत करते रहें तो उनसे गैबत के मुतालिक गुफ्तगू का सिलसिला हमारा जारी और सारी रहा। तो एक सवाल हमारे पास है और मेरे जहन में है कि मुहिम सवाल है कि गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का यानी इमाम की गैबत, इसका क्या फ़लसफ़ा है, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और चैनल के टीवी के जितने भी अरकान हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलामत रहे। आप लोगों के तवस्सुस से हमें भी कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका मिल जाता है, मौला सलामत रखे। देखिए किबला, आपने जो सवाल फरमाया कि ग़ैबत इमाम का फ़लसफ़ा क्या है, मैंने कई किताबें ग़ैबत के अनुमान से पढ़ी हैं जी, और मैंने खुद भी 2 किताबों का तर्जुमा किया है, ग़ैबत नुमानी, ग़ैबत इमाम का फलसफा। बताने से पहले मैं आपको ग़ैबत के बारे में बताना चाहता हूँ कि ग़ैबत क्या होती है। बिस्मिल्लाह कीजिए। देखिए हमारे यहाँ अमूमन सोशल मीडिया पर बाज़ ऐसी मूवीज़ देखकर बच्चों के जहनों में ये आता है कि जैसे जिन्नात गायब हो जाते हैं, सही, इसको गायब कहते हैं, सही। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि चंद गैबतें हैं जिनको हम गैबत कहते हैं, हालांकि वो गैबतें नहीं है, सही, यानी कि जो चीज नजर नहीं आती हम उसको गैबत कहते हैं जी। हालांकि गैबत का जो फलसफा होता है वो ये होता है कि वो चीज जो पहले नजर आती हो, बिस्मिल्लाह, ठीक है, या जिसको देखा जा सकता हो, सही, वो अगर ना हो तो उसको गैबत कहते हैं। सही। अभी मैंने इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत का फलसफा बताना है, ये सिर्फ मैं गैबत के बारे में बता रहा हूँ। जी बिल्कुल ठीक है। लोग कहते हैं अल्लाह गायब है, अल्लाह गायब नहीं है। सही, क्योंकि अल्लाह ताला असलन नजर ही नहीं आता। बेशक बेशक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम शिया ने हदरे करार का यह अकीदा है कि अल्लाह ताला के साथ गैर मरी वो नजर नहीं आ सकती। बेशक बेशक, आंखें उसे देख ही नहीं सकती। बेशक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए जब अल्लाह को देखने का सवाल अल्लाह की बारगाह में पहुंचाया था, सही, तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया था कि लन तरानी, बेशक बेशक, तू मुझे कयामत तक नहीं देख सकता। बेशक, आंखें उसको तर्क नहीं कर सकती, आंखें उसका इदराक नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए थे तो वहां भी उन्होंने अल्लाह को नहीं देखा था। तो मुख्तसर बात यह है कि अल्लाह के लिए जो ये कहा जाता है कि गैब है, जी, अल्लाह की जात लफ्ज गैब के फलसफे में नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह तो असलन नजर ही नहीं आता। बेशक, गैब तो हम उसे कहेंगे जो कम से कम नजर आता है और बाद में नजर ना आए। सही। इसी तरह जिन्नात है, उनको कहा जाता है कि वो गैब है। जी। वो गैब नहीं है क्योंकि वो भी असलन नजर नहीं आते। सही। जिन का फलसफा अगर आप पढ़ें तो जिन कहते ही उसे जो नजर ना आए। सही। जो चीज नजर आती है वो जिन्नात नहीं होते। सही। इसी तरह फरिश्तों के बारे में, फरिश्ते भी कम से कम आम लोगों को नजर नहीं आते। सही। सिवाय अंबिया किराम। ठीक है। तो मैंने ये अर्ज किया कि ये तो है गैबत का फलसफा कि गैबत क्या चीज होती है। जी। अल्लाह ताला के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह की जात गैब, अल्लाह की जात गैब नहीं है, क्योंकि अल्लाह की जात असलन नजर नहीं आती और ना ही कभी नजर आएगी क़यामत तक। बेशक बेशक, इसलिए अल्लाह ताला के बारे में गैब का लफ्ज यूज नहीं होता। जैसा कि सूरह बकरा की इब्तदाई आयात में कहा गया है कि युमिनूना बिल गैब। सुभान अल्लाह। यानी कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सुभान अल्लाह। बेशक, मुत्तकीन की पहली सिफत ये है कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। सुभान अल्लाह। बेशक, अब सवाल ये है कि यहाँ पर गैब क्या है। सही। अगर आप कहेंगे कि गैब से मुराद अल्लाह है, जी, तो अल्लाह पर लफ्ज गैब का इत्तलाक नहीं हो सकता। बेशक, क्योंकि गैब का इत्तलाक उस पर होता है जो पहले नजर आए या उसमें नजर आने की सलाहियत हो। सही सही, या जिसको देखा जा सकने का इम्कान हो। जी। अल्लाह ताला को देखने का इम्कान ही नहीं है। इसलिए ये जो मोमिन गैब पर ईमान लाते हैं, इस गैब से मुराद क्या है? बिस्मिल्लाह। तो मुफस्सिरीन ने जब हमने तफसीर का मुताला किया और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के फरामीन में यहाँ पर गैब से मुराद का एक कौल इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ात। जी। अगर आप गहराई से देखें तो गैबत का अलल इतलाक और बिल अतम फलसफा जो है वो गैबत इमाम पर सादिक आता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कि जो पहले आए, नजर आए, फिर नहीं आए। जी। और फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत के बारे में आपने सवाल किया। जी। गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम जो है वो ऐसी गैबत नहीं है जैसी हमारे जहनों में है। सही। हमारे जहनों में ये होता है कि जैसे मसलन कोई चीज हमें नजर आ रही है और नजर आते आते अचानक वो गायब हो गई। जी इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की गैबत ऐसी नहीं है। सही। इमाम जमाना अलैहिस्सलाम की गैबत ये है कि इमाम जमाना अलैहिस्सलाम दुनिया में बेनफ्से नफीस मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस वक्त कुर्रा अर्ज पर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के कदम मुबारक रहते हैं हर वक्त। बेशक बेशक। और वो मोमिनीन के दरमियान चलते फिरते हैं, लोगों के सामने से गुजरते भी हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हैं कौन। सही। ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत का फलसफा। जी यानी हम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को देखते भी हैं लेकिन हम उनको पहचान नहीं सकते। अल्लाह अकबर। सही। क्या यही इमाम ज़माना है? जी। इसी वजह से उलमा फरमाते हैं कि जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का ज़हूर पुर नूर होगा और वो अपने वजूद जिजूज से हमारी आंखों को जीनत फरमाएंगे। सही। तो उस वक़्त हम देखते रह जाएंगे। अल्लाह अकबर। और हर मोमिन के जुबान पर यही बात होगी कि इनको तो मैंने पहले भी देखा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत का जो फलसफा है, गैबत का जो माना है, मफ़हूम है, जी जी, वो ये है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की गैबत का मतलब ये नहीं है जी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नजर नहीं आते। जी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम नजर आते हैं बेशक, लेकिन वो गैब है। सही। गैब से मुराद ये है कि हमें पता नहीं है कि इमाम ज़माना ये है। बेशक बेशक। और इसीलिए अब गैबत का जो फलसफा है, ये तो गैबत का माना और मफहूम था जी। अब गैबत का जो फलसफा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने आखिर क्यों गैबत इख्तियार फरमाई। सही। उसकी क्या वजह? जी बिल्कुल। उसकी कई तौजीहात पेश की जा सकती। सही। लेकिन फरामीन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में एक चीज है कि देखें, मैं उनको अपने अल्फाज में बयान करता हूँ। बिस्मिल्लाह। गैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का जो फलसफा है वो ये है कि देखिए, हम 11 मासूमों की हिफाजत नहीं कर सकते। बेशक बेशक। जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी इमामत में उन्होंने वक्त गुजारा जी, लेकिन हम उनकी हिफाजत न कर सकते। बेशक बेशक। इसी तरह इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, दीगर आइमा, हत्ता के इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बेशक कई साल कैद में रहे। अल्लाह अकबर। लेकिन हम उनको बचा न सके, हम उनकी हिफाजत न कर सके। बेशक। और यहाँ तक कि उनके जनाजे को मजदूरों ने उठाया और उन्होंने दफन। अल्लाह अकबर। इसलिए हम उनकी हिफाजत न कर सके। हत्ता कि 11वें इमाम का जमाना आया, जब 12वें इमाम दुनिया में तशरीफ लाए तो जाहिर है दुनिया की जो सुपर पावर ताकतें थी उस दौर में, जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, बल्कि दुनिया में आने से पहले लोगों के ज़हनों में ये था कि एक इमाम मेहदी आएगा। अल्लाह अकबर। और जो हमारी सारी प्रोग्रामों को हिलियामेट कर देगा। बेशक बेशक। और यहूदी साजिशें इस ताक में लगी हुई थी कि वो बच्चा पैदा हो तो हम उस बच्चे को उसी वक्त ही ख़त्म कर दें। अल्लाह। यही वजह थी कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के यहाँ जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत होती है जी, तो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम किसी को भी ये नहीं बताते कि हमारे यहाँ विलादत हुई है कि नहीं। अल्लाह, यहाँ तक के लोगों ने ये भी लिखा कि 11वें इमाम की कोई औलाद ही नहीं थी। अल्लाह, बेशक। और बाद हम पर हमारी एक किताब है फ़िरक़ुशिया दो बख्ती की, सही, उसमें से बाद लोग एक बात हमारे आगे लेके आ जाते हैं जी, इस किताब में लिखा हुआ है कि 11वें इमाम की तो औलाद ही नहीं थी, उनका तो कोई बेटा ही नहीं था। जी बिल्कुल सही बात। लेकिन वो जो इबारत है उस इबारत में ये नहीं लिखा हुआ कि उनका बेटा कोई नहीं था, सही, क्योंकि ये जुमला कहना कि उनका बेटा कोई नहीं था, इसको अरबी जुबान में कहते हैं ला वलद लहू, सही, बिल्कुल। उसमें ला वलद लहू के अल्फाज नहीं है, सही, उसमें ये लिखा हुआ है कि लम युरा इब्नुहू, सही सही, काफी फर्क है, उनकी औलाद को देखा नहीं गया। जी बेशक बेशक, इसलिए उन्होंने उससे इस्तेफादा किया। लेकिन आगे जाके इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का तस्करा मौजूद है। तो मुख्तसरी बात यह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के पीछे बाद ऐसी शैतानी ताकतें लगी हुई थी कि उनकी कोशिश थी कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को शहीद कर दें। बेशक। तो 5 साल की उम्र में इमाम अलैहिस्सलाम ने गैबत इख्तियार फरमाई। तो उनकी गैबत का जो फलसफा है वो ये है जो ज़ाहरी तौर पर हमें नजर आता है, और बाज़ अहादीस भी इसकी तस्दीक फरमाती हैं। बेशक। कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हिफाजत की गर्ज से गैबत इख्तियार फरमाई। बेशक। लेकिन उसमें जाहिर है कि खुदा बंदे करीम का हुक्म भी होता है, और उसमें जो मेन बात है, मेन बात गैबत इख्तियार करने की ये भी है, क्योंकि 12वें इमाम के बाद किसी इमाम ने नहीं आना। बेशक। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बाद क़यामत आनी है उनकी शहादत के बाद। जी। तो जब तक क़यामत नहीं आती ज़मीन को अल्लाह हुज्जत खुदा से खाली होने नहीं देता। बेशक। इसलिए इमाम ज़माना को गैबत में रखा ताकि क़यामत भी करीब आ जाए और इमाम ज़माना का ज़हूर भी हो जाए और ज़मीन भी हुज्जत खुदा से खाली ना रहे। सुभान अल्लाह। बेशक। ये फ़लसफ़ा कई अहादीस इसकी तस्दीक फरमाती हैं। सही। कि ये भी एक फ़लसफ़ा है, और भी कई गैबत के फ़लसफ़े हैं, गैबत की वजूहात हैं, गैबत इमाम ज़माना की तोजीहात हैं, लेकिन उनमें से दो जो मैंने बयान अर्ज किए हैं ये भी हैं। सही। इसके अलावा और भी हैं। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, बस मैं आखिरी सवाल के जवाब में आखिरी अर्ज करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह कीजिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जो गैबत है उसका मतलब ये नहीं है कि इमाम ज़माना नजर नहीं आते। बेशक। इमाम ज़माना नजर आते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं सकते। बेशक बेशक। बाज़ उलमाए किराम तो ये फरमाते हैं, और गलबन रिवायात में आया है कि जो चाहता है कि वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मुसाफा करे या उनकी ज़ियारत करे, तो उनको चाहिए कि वो हज पर ज़रूर जाए, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हज पर ज़रूर आते हैं। और आखिरी जुमला यह है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस वक्त ज़मीन पर मुकीम है और ज़मीन पर रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं ये किसी को पता नहीं है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का घर कहाँ है, और बाद रिवायात से तो ये भी पता चलता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम मुजर्रद नहीं है बल्कि मुईल हैं, उनके औलाद भी है और उनके बीवी बच्चे भी हैं, और वो दुनिया में रहते हैं। और हमारे यहाँ एक किताब छपी थी जज़ीरे ख़ज़रा, उसमें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की जगह का इम्कान बताया गया कि हो सकता है वहाँ भी हो। जी बिल्कुल। यकीन नहीं है कि वहाँ है, लेकिन इम्कान है, क्योंकि वो जो एक मोमिन था जिसको जो वहाँ गया था इमाम के जजीरे में। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर वहाँ उन्होंने वो अजान भी सुनी थी। जी। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम इस वक्त मौजूद हैं, ज़मीन पर रह रहे हैं अपने बीवी बच्चों के साथ अपने घर में, लेकिन वो हमें ये नहीं पता कि वो किस इलाके में रहते हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं। जी बिल्कुल, ये बेशक। दूसरा सवाल इस उन्वान से है कि ज़ाहिर है कि दौर गैबत है, जैसे आपने फरमाया कि इमाम बेशक मौजूद है, इसी सरजमीन पे मौजूद है, लेकिन जाहिर है कि हर आंख इमाम को या तो अगर देख भी सकती है तो यकीनन पहचानने से कासिर है। तो जाहिर है कि इस दौर में जो है वो काफ़ी सारे मुश्किलात और मसाइल का सामना, चूँकि आप ज़ाहिरन हम सभी देख रहे हैं कि काफ़ी सारे मुश्किलात है। तो इसी उन्वान से सवाल कुछ इस तरह अगर कर लूँ तो बेहतर होगा कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में पैदा होने वाले मसाइल और इनका हल, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवाल फरमाया है। देखें, इमाम की ज़ात जो होती है ना जी, इमाम की ज़ात जिस तरह ज़मीन के लिए, ये सिर्फ मैं एक मिसाल देने की कोशिश कर रहा हूँ, बरबना हकीकत नहीं कह रहा जी। जिस तरह ज़मीन के लिए सूरज की ज़रूरत है जी, उसी तरह रैयत के लिए इमाम की ज़रूरत है। अल्लाह अकबर, बेशक। लेकिन अब चूंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ग़ैबत में है, यानी हम उनको पहचान नहीं सकते, हम उनके पास जा नहीं सकते और उनसे मुलाकात नहीं कर सकते, बिल्कुल जी, उनसे हम मिल नहीं सकते। वो एक अलहदा बात होती है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम किसी के ख्वाब में आ जाएं, किसी को ज़ियारत करा दें, वो बातें हमारी इस बात से जुदा है सही। लेकिन ग़ैबत कुबरा का मतलब ये है कि ग़ैबत कुबरा में कोई भी इमाम की इस वक्त नयाबत खासा में नहीं है जी, बेशक। क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपने एक नायब से फरमाया था कि अब अगर कोई मेरी मुलाकात का दावा करेगा जी, और मुझे देखने का दावा करेगा तो वो झूठा होगा। अल्लाह अकबर। उसका मफ़हूम उलमाए किराम ने यह बयान फरमाया कि इससे मुराद नयाबत खासा है सही, क्योंकि इमाम के जो खसूसी नायब थे वो 4 थे, 5वां नहीं। आपने फरमाया कि हम इन मसाइल का हल क्या है जी। देखिए, इन मसाइल, यही सवाल था ना जी आपका जी 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 जी, मसाइल का हल वाले मसाइल जी जी किबला, जो मसाइल इस दौर में पैदा होने हैं उसका जो हल है उसके बारे में ये सवाल था किबला। बंदे हक़ कर रहा हूँ जी, उसका हल ये है जी जी, उनका हल ये है। देखें, उनका हल ये है, इमाम अलैहिस्सलाम जाते जाते ये फरमा कर गए हैं कि नए मसाइल पैदा होने की सूरत में जी, नए वाक़यात होते हैं, कोई नए मसाइल पैदा हो जाते हैं, बिल्कुल, उनमें हमारी अहादीस बयान करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो सही। अब इस हदीस में बड़ा फलसफा है जी। इमाम फरमाते हैं कि हमारी हदीसें बयान करने वाले रावियों की तरफ रुजू करो जी, यानी इससे मुराद ये है कि जो लोग अहकाम दीन में अपनी राय कायम करते हैं, क्यास करते हैं, बेशक उनके पास ना जाना सही, बेशक, बल्कि उन लोगों के पास जाना जो आपके मसाइल को हमारे फरामीन के जरिए हल करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लिहाजा जो उलमाए किराम और खसूसन हमारा शियाने हैदर करार का जो एक सिस्टम है फकाहत का, इज्तिहाद का जी, तो हम जाहिर है कुरान और अहले बैत से बाहर नहीं जाते, बेशक बेशक, और हम राय के कायल नहीं है बेशक। हम फिकी मसाइल हों या अकायद हों, उनमें कुरान और अहले बैत का दामन हम पकड़ते हैं बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग़ैबत कुबरा में मसाइल जो पैदा होते हैं उनका हल ये है कि हमें चाहिए कि हम ऐसे उलमाए किराम से मुतमस्सिक रहें जी, ऐसे उलमाए किराम के दामन को थामे रखें जो उलमाए किराम हमारे मसाइल को फरामीने चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए हल फरमाते हैं। बेशक बेशक जो उलमा अपनी राय कायम नहीं करते, जो क्यास नहीं करते, यानी कि क्यास से मुराद ये होता है कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए, उस सिस्टम के तहत आप हलाल भी कर रहे हैं, हराम भी कर रहे हैं, लेकिन होना यह चाहिए था कि हदीसों से इस्तेमाल किया जाए। सही, बिल्कुल। और यही फरमाया है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने कि गैबत कुबरा में जो मसाइल पैदा हों और जो इला रुवात अहदीस है, बेशक उसमें हमारे जो हदीसें बयान करने वाले उलमाए किराम हैं उनकी तरफ रुजू करो जी। वो मेरी तरफ से तुम पर हुज्जत है, बेशक, और मैं उन पर अल्लाह की हुज्जत हूँ, बेशक। लिहाजा जो आलिम दीन, जो मर्जे तकलीद, जो फकीर आजम, जो मुज्तहिद अपनी राय कायम करेगा, कियास करेगा जी, तो उनका कौल मरदूद होगा जी, यकीनन यकीनन, क्योंकि इस पर तमाम उलमाए शिया का इजमा है कि नस के मुकाबले में इज्तिहाद हराम होता है जी। बेशक बेशक, जहां पर नस आ जाए, नस जली हो ना या नस खफी हो, नस मासूम हो, मासूम का फरमान हो, और जब आ जाए तो उसके मुकाबले में फिर इज्तिहाद हराम होता है। तो नतीजा ये निकला, मेन जो हमारी जिम्मेदारी है उन मसाइल का जो हल है, हमें चाहिए कि हम ऐसे उलमाए किराम से मुतमस्सिक रहें जो उलमाए किराम हमारे मसाइल को फरामीने चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलाम से हल फरमाते। बेशक बेशक, ये उनका हल जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया जी। बेशक बेशक जी। एक सवाल यह है कि आखिरी सवाल ये आपकी खिदमत में पेश करने लग गया हूँ, चूँकि टाइम भी हमारे पास कुछ 5-6 मिनट बचे हैं। सवाल क़िबला यह है कि ग़ैबत कुबरा में शियायान हैदर करार और मोमिनीन का क्या किरदार होना चाहिए, इस पर अगर आप वजाहत फरमाएं। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने पूछा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा किरदार क्या होना चाहिए। देखिए, गैबत कुबरा है, और गैबत कुबरा में सबसे पहला जो हमारा फरीज़ा है मोमिनीन का जी, वो ये है कि गैबत कुबरा में रहकर सबसे पहले तो हमें आपस में इत्तफाक और इत्तेहाद कायम करना चाहिए जी, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे उस वक्त तक हम कामयाब नहीं हो सकते, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मिशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, यकीनन। दूसरा ये है कि अपना तज़किया नफ्स करना चाहिए, सही। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में फिक्र करनी चाहिए जी। और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो अहकामात हैं और जो उनका मिशन है और जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ से हम पर जिम्मेदारी आयद होनी है या होने का इम्कान है जी, उसकी बजावरी के लिए कोशिश करनी चाहिए, बेशक। और आखिरी जुमला अर्ज ये करना चाहता हूँ कि ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में हमारा जो किरदार है वो ऐसा होना चाहिए कि लोग हमें देखकर ये कहें कि ये अली का मानने वाला। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, बेशक। हमें देखकर वो ये ना कहें कि ये पता नहीं किसका मानने वाला है, बेशक बेशक। बस वो देखकर हमें पहचाने और देखकर वो हमें ये कहें कि जाहिर है जिनके मानने वाले ऐसे हैं उनके इमाम कैसे। अल्लाह अकबर, बेशक बेशक, ये है हमारा फरीज़ा, बेशक। मौला आपके तौफीकात में इजाफ़ा फरमाएँ। बहुत ही काबिल इस्तिफ़ादा गुफ्तगू आपने फरमाई, बहुत ही अच्छे नुकात की तरफ आपने इशारा फरमाया। टाइम जो है वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है, वगरना दिल तो चाहता है कि मज़ीद भी सवालात आपके खिदमत में रखे जाएँ और इस्तिफ़ादा किया जाए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। फिर भी अगर आपके पास टाइम में कहीं भी किसी डेट में गुंजाइश है तो इंशाअल्लाह वही यही है कि टाइम तो यकीनन नहीं होता, निकालना पड़ता है। तो इंशाअल्लाह अगर कभी गुंजाइश रहे तो फिर भी हमारे लिए बायस फ़ख्र है कि आपकी खिदमत में रह सके, और एक दफ़ा फिर भी आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है। शुक्रिया, इल्तमास दुआ, इल्तमास दुआ, फ़ी अमानिल्लाह। जी ये थे हमारे साथ आली जनाब अल्लामा नदीम अब्बास हैदरी आलवी फातिल दमिश्क, और अच्छे नुकात की तरफ इन्होंने इशारा फरमाया, मखसूसन जो आखिरी किरदार हमारा क्या होना चाहिए। किरदार में जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, और ज़ाहिर है किरदार जिसका सही होगा वही इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के का सच्चा इंतज़ार करने वाला है। यानी अगर एक शख्स है वो ज़ाहिरन उसका जो किरदार है वो किरदार में वो बिल्कुल सिफ़र है, और इतना बड़ा दावा कर रहे हैं कि मैं मसलन एक शख्स कहें कि मैं इमाम के इंतज़ार करने वालों में से हूँ, और तो ये एक जिसको कहा जाए कि एक ख़ुद अपना भी मजाक उड़ा रहे हैं और ज़ाहिर है कि अपने आप को भी गुनहगारी कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने एक अच्छे नुक्ते की तरफ इशारा फरमाया कि हमें इत्तेहाद करना चाहिए, और इत्तेहाद भी यकीनन जहाँ पर कुरान में आप देखें वाअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तो ये कोई कुफार के साथ इत्तेहाद वाली बात नहीं है, बल्कि इत्तेहाद होता ही मोमिनीन के दरमियान इत्तेहाद होना चाहिए। बाज़ लोगों ने इसमें से इस किस्म के लोगों के साथ इत्तेफाक और इत्तेहाद उन्होंने शुरू कर लिया कि वो यकीनन कोई इत्तेफाक इत्तेहाद नहीं, अपने ईमान को ख़राब करने वाला काम है। हाँ एक चीज़ है, अगर मूजब फसाद कोई चीज़ें बन रही है तो वो मूजब फसाद काम इंसान न करे, वगरना इत्तेफाक ज़ाहिर है इत्तेफाक बैनुल मोमिनीन होता है, और दर हकीकत मोमिनीन ही मुस्लिमीन है। यानी ये कभी कोई ना सोचे कि ये मोमिनीन कोई और लोग है और मुस्लिमीन जो है वो कोई और लोग है, नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। मोमिनीन दर हकीकत वही मुस्लिमीन है और मुस्लिमीन वही मोमिनीन है। अलबत्ता इनमें मोमिनीन और मुस्लिमीन में नहायत ही जो अपनी डिग्रियों पे जो जाते हैं, चूँकि कोई ईमान के पहली स्टेज पे है, कोई दूसरे स्टेज पे है, तो जाके कोई 10वें स्टेज पे है, वो अपनी जगह पर दराजात है। दराजात इस दुनिया में भी है, हर मोमिन एक दर्जे पे नहीं है, लेकिन जाहिर है कि सच्चा मुसलमान वही बन सकता है जो गदीर को कबूल करने वाला हो। क्योंकि जाहिर है कि हमने पैरवी किसकी करनी है, हमें पैरवी अल्लाह की पैरवी करनी है, और अल्लाह के लिए वसीला जो है वो हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही है। तो ज़ाहिर है कि जो उसने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयुन यूहा, जो उन्होंने फरमाया वो वही इलाही है, और वही इलाही के लिए ज़ाहिर है कि उसके फरमान को हमने मानना होगा और उस पर अमल करना होगा। इसी चीज़ को कहते हैं दर हकीकत एक मुसलमान इस्लाम है। इस्लाम में तस्लीम होना पड़ता है, फरमान के मुकाबले में तस्लीम होना पड़ता है। वो मुसलमान कहाँ का मुसलमान रहेगा कि जो रईस है इस्लाम का वो कुछ और कहे और ये साहब जो है वो तस्लीम तो हो नहीं रहा, और फिर आगे से कहे कि मैं मुसलमान भी हूँ और सुन्नत रसूल का भी पैरोकार हूँ। तो इस किस्म की चीज़ें, थोड़ा बहुत मुताला भी किसी का हो तो वो यकीनन इस किस्म की चीज़ों के कायल कभी नहीं हो सकते। और दुआ का रास्ता हमारे पास हमवार है, तोबा अपनी दुआ गुनाहों की तोबा करनी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, और ये दुआ कसरत से करनी चाहिए। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज।